हमारा शिकार आ गया है। तो ये था प्रज्ञा अरोरा का दी एंड, और इसी एंड के साथ मेरी स्टोरी का दी बिगिनिंग। बाय बाय प्रज्ञा, तुम्हें कितना समझाया कि मेरे रास्ते में मत आओ। अब देखो ना, बुरे वक्त में ना तुम्हारा कोई अपना साथ आया और ना तुम्हारा कुमकुम तुम्हारे काम आया। मेरी बच्ची, मेरी प्रज्ञा, नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी ना अपनी प्रज्ञा को, मैं बचाऊंगी। मुझे शक्ति दो माँ, अपनी बेटी को बचाने के लिए इस माँ को शक्ति दो। मेरी मदद करो माँ, मुझे शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो। ममता समझ सकती हो, पूरे संसार की रक्षा करती हो आप। आप मुझे मेरी बेटी की रक्षा करने की शक्ति दो माँ। पूरा जगत आपके संतान है, पर मेरी मेरी अब एक ही है प्रज्ञा। मुझे उसे बचाना है माँ, मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो।
आप माँ आराम से, आप बाहर कैसे हैं? माँ क्या हुआ? प्रज्ञा माँ क्या हुआ? प्रज्ञा देखो वो किसी मुसीबत में है क्या? आप कहाँ जा रही है? माँ रुकी, प्रज्ञा दी के पास जा रही है? आप जानती है माँ की प्रज्ञा दी कहाँ है? मैं आपको लेकर चलता हूँ। माँ चल चल माँ, आराम से, कुछ नहीं होगा प्रज्ञा दी को, चल चल माँ, कुछ नहीं होगा। तनु, मैं परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलती रहूंगी। तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना? लेकिन मैं ऐसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। अरे क्या हुआ भैया, चलो ना। यानी क्या, ये सिग्नल है? स्लो मत करो, सिग्नल तोड़ो, जल्दी चलो। तनु की बच्ची तो चली गई यहाँ से, क्या फायदा हुआ? आपने तो रेड सिग्नल पर गाड़ी भगाई भी नहीं। चलिए अब घर वापस। अगर तनु घर पे नहीं है तो कहाँ गई होगी? कल सुबह 11 बजे साइन सर्कल के पास मिलते हैं। इन सब बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कहीं वो कनेक्शन तनु तो नहीं? बात तनु और निखिल से रिलेटेड तो नहीं है? कहीं माँ उन लोगों को लेके डरी तो नहीं? कब निकली वो घर से? जैसे तुम निकली उसके पीछे पीछे वो भी चली गई। तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़। तनु भी उसी वक्त घर से निकली जब मैं निकली, वो भी अपने डॉक्टर की इतनी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट छोड़कर, इनसे झूठ बोलकर। अब वो इनका फोन तक नहीं उठा। और फिर सबसे बड़ी बात, माँ का इस तरह टेंशन लेना। वो बिना किसी बात के इतना नहीं डरेंगी। जरूर वो कुछ ऐसा जानती है जो मुझे बताना चाहती है। अब भी वक्त है, मुझे चेक कर लेना चाहिए। अगर अगर तनु ही इस सब के पीछे है तो या तो वो मेरा पीछा करे। इसे पता लगाऊं? फोन करके चेक करती हूँ। प्रज्ञा का फोन? हाँ प्रज्ञा जी बोलिए। तुम पहुंच गई क्या? जी प्रज्ञा जी, मैं तो कब से यहीं पर हूँ। ये आवाज तो, प्रज्ञा जी मैंने आपको कहा भी था कि लेट मत होइएगा, फिर भी आप अभी तक नहीं पहुंची। मैं आपका यहीं पे वेट कर रही हूँ। और हाँ, अब आप अकेली आ रही हैं ना? एक ही बात बार बार क्यों बोल रही? कोई तो गड़बड़ है, पूछूं या नहीं? लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उनकी सोच सही है तो मैं ये रिस्क ले ही लेती। हेलो प्रज्ञा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तनु, मैं जानती हूँ तुम तनु ही बोल रही हो और तुम मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि मैंने तुम्हारी आवाज को बिल्कुल सही पहचाना है। आप ये कैसी बात कर रही हैं प्रज्ञा जी? बात तो मैं तुम ही से कर रही हूँ तनु। क्या है ना तनु, अक्सर ऐसा हो जाता है जब हम नर्वस होते हैं ना तो हम कई बार भटक जाते हैं। और तुम तो अपना पूरा रास्ता ही भटक चुकी हो। अब वो नहीं तन, अब ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं। अब तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वो भी फेस टू फेस। तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। फिर भी मैं वहाँ आऊंगी। सब कुछ जानते हुए भी अगर मैं वहाँ आने की हिम्मत कर सकती हूँ तो तुम भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और वहाँ से कहीं मत जाना। क्योंकि मैं वहाँ आकर देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे अगेंस्ट क्या प्लान कर रही। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब सामने सामने बात होगी। हेलो निखिल, क्या कुछ सब समझ में आ गया? उसे हमारे प्लान के बारे में सब पता चल गया। कैसे पता चल गया? मुझे नहीं पता, मुझे प्रज्ञा का फोन आया था और वो मुझे तनु कह के बुला रही थी। और वो कह रही थी कि मैं ही उसे फोन कर रही हूँ।
मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे क्या। पर हुआ कैसे ये सब? तुम्हारी गलती होगी और किसकी गलती होगी? गलत आवाज में बात करना भूल गई होगी तुम। और अपनी आवाज में बात किया होगा और क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया निखिल। हाँ तो क्या मैंने किया? मैंने कहा था तुमसे कि मैं मर्डर प्लान करूंगा और मैंने कहा था तुमसे कि तुम्हारा काम है उसे बाहर बुलाना। तुमने वो ठीक से नहीं किया। निखिल चिल्लाओ मत। अरे चिल्लाऊ नहीं तो मैं क्या करूँ यार तनु? इतनी प्लानिंग की थी सबके पीछे और तुम सिर्फ कहती हो कि गलती हो गई, दैट्स इट। तुमसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है क्योंकि तुमसे ज्यादा डेस्परेट मैं थी उसे मारने के लिए, तो मैं तो ये गलती कर ही नहीं सकती। क्या छोड़ो यार तनु, तुमसे बात करना ही मुश्किल है। क्या छोड़ो यार, किसकी गलती है? I don't want to talk about it. अभी हो गई ना गलती। अब क्यों आ रही हो तुम यहाँ पर? तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं। गेम ओवर, प्लान ओवर, खत्म। नहीं निखिल, गेम ओवर नहीं हुआ है। लेकिन एक मिनट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? प्रज्ञा को जब सब कुछ मालूम हो गया है तो वो क्यों आएगी शायद? निखिल इस वक्त प्रज्ञा बहुत गुस्से में है और उसी गुस्से में उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मुझ में हिम्मत है तो मैं वहाँ आके दिखाऊँ। जो मैं उसके अगेंस्ट प्लान बना रही थी वो मैं उसके मुंह पे बोल के दिखाऊँ। वो मुझसे फेस टू फेस बात करना चाहती है, कन्फ्रंट करना चाहती है। इसका मतलब सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो यहाँ आएगी? हाँ। उसने मुझसे कहा कि चूहे बिल्ली का खेल अब बहुत हो गया, अब लड़ाई आमने सामने होगी और इसी गुस्से की वजह से हमें एक और मौका मिला है प्रज्ञा को रास्ते से हटाने का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर मौत के मुंह में उसे खुद चलकर आना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वो भी ठीक उसी तरह से जैसे उसकी बहन अपनी मौत खुद मरी थी। वही मिलते हैं। तैयार रहो रे, शिकार 5 मिनट में पहुंच रहा है। ओके। इससे बड़ा बैड लक किसका होगा जो जानता है कि उसके दुश्मन ने उसके अगेंस्ट प्लान बना रखा है और फिर भी वो उससे मिलने आ रहा है। तो आइए प्रज्ञा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। ये तनु बहुत ही चालाक है, उसने मेरे आने की बात सुनते ही प्लान भी शुरू कर दिया होगा। पर उसके सारे प्लान्स हैं क्या? करना क्या चाहती? ये सब तो तभी पता चलेगा जब मैं खुद वहाँ जाकर सब देखूंगी। रिस्क तो है पर मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। क्या पता वहां जाकर मुझे उसके खिलाफ वाकई कोई सबूत मिल जाए जिससे मैं उसे सबके सामने एक्सपोज कर सकूं। ये पहली बार हुआ है कि कोई मेरी नजर से बचकर निकल गया। ये तनु ना अगर उस रेड लाइट पर रुक जाती तो आज उसका वो राज मेरी मुट्ठी में होता, फिर मैं उस राज के बदले उसे ब्लैकमेल करती और वो राज मैं प्रज्ञा को बता देती और उससे बहुत सारी रकम वसूल करती और फिर मैं ऐश की जिंदगी बिताती और मैं जो तनु को कहती तनु को वही करना पड़ता। अरे 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 अरे, क्या हुआ, कैसे गिर गई? दासी देखना, यहाँ पर किसी ने पानी गिरा दिया था, मेरे पैर फिसल गया, पैर में बहुत मोच आई है, प्लीज अपना हाथ दीजिए ना मुझे उठाइए। तू गिर गई है इसका मतलब तू किसी के बारे में बुरा सोच रही थी, इसलिए माता रानी ने तुझे गिरा के सजा दी है। अब तुझे माता रानी ने सजा दी है इसका मतलब तू सचमुच गिरी हुई है। नहीं दासी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसे माता रानी गिरा दे उसे भला कौन उठाए? मैं तो चली, मुझे बहुत काम है। मजा आया? हंस क्यों रही हूँ मम्मी जी, हाथ दो मुझे उठाओ प्लीज। मैं क्यों उठाऊ? अरे सुबह जो तू काम छोड़ के गई थी ना वो काम मैं अभी तक खत्म नहीं कर पाई हूँ, और वैसे भी सवारी अपने सामान का खुद ख्याल रखे, समझी तू? अब पड़ी रही यहीं पे, मैं तो चली। अच्छा, सवारी अपने सामान का ख्याल खुद रखे, कभी ये मूर्ति नीचे गिरी ना तो उसके आसपास में तेल गिरा दूंगी, जिंदगी भर फिर वहीं बैठे रहना फिसलते हुए। सॉरी माता रानी, अब से ना मैं कभी किसी के बारे में ना बुरा बोलूंगी ना बुरा सोचूंगी, अभी तो उठा दीजिए प्लीज। माँ माँ, आपको तो पता है ना प्रज्ञा दी कहाँ है? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, आप कैसे बताएंगे कि दी कहाँ है? आप क्या करें माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे दी को ढूंढे, कहाँ ढूंढे, क्या करें माँ? माँ माँ एक सेकेंड माँ, ये टिश्यू और ये पेन है माँ,
माँ आप इस पे लिख दीजिए, जैसे आप लिख सकती हैं, जितना लिख सकती हैं, जो भी लिख सकती हैं माँ इस पे लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आपका एक हिंट ना माँ, माँ हमें दी के पास पहुंचा सकती। माँ ये तो ये सर्कल, माँ दी किसी सर्कल के पास, जुहू सर्कल माँ, या ये अंधेरी सर्कल माँ, माँ जुहू सर्कल, अंधेरी सर्कल माँ, माँ ये एस एस से माँ शिवाजी पार्क सर्कल, या एसवी रोड सर्कल, सायन सर्कल माँ, सायन सर्कल माँ, माँ मैं काम करता हूँ, मैं दी को अभी फोन करता हूँ। हाँ पूरब माँ ठीक है ना? दी माँ बिल्कुल ठीक है, आप पहले बताइए आप कहाँ? हाँ मैं तो ठीक हूँ, क्यों? ये आपको पता नहीं है पर वो तनु और निखिल आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ आपकी जान को खतरा है। आप कुछ भी करके जल्दी से जल्दी वापस आइए दी प्लीज। हाँ पूरब मुझे सब पता है कि तनु ने मेरे खिलाफ कोई प्लान कर रखा है। दी आपको पता है मतलब? पूरब मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे ड्राइवर को रास्ता बताना है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आराम से फोन करती हूँ। राइट लीजिए प्लीज, बाय बाय पूरब। माँ दी ने तो फोन की कट गया, माँ आप टेंशन मत लीजिए, अब हमें पता है ना दी कहाँ है, हम वहाँ चलें। सरला जी को प्रसाद और आरती देकर आते हैं। जी दादी। बेचारी माता की चौकी पे भी आ नहीं सकी। अरे दादी सरला आंटी जी कहाँ गई? वही तो अकेले, वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं दादी, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पे थी, मैं आई थी उन्हें देखने, तब तो काफी डरी और परेशान लग रही थी। हाँ तो फिर अकेले क्यों छोड़ दिया? नहीं दादी मैंने अकेला नहीं छोड़ा, पूरब भैया थे उनके साथ, मतलब डोर के बाहर ही खड़े हुए थे। पूरब? हाँ। पूरब? पूरब? क्या हुआ, आप पूरब को बुला रहे हो, कुछ जरूरी काम था? सरला जी कमरे में नहीं है। सरला आंटी कहाँ जा सकती है अकेले? पूरब आकाश तुम प्लीज पूरब भैया को फोन करो ना और उनसे पूछो कि कहाँ है वो। रचना मैं फोन करता हूँ, दादी आप टेंशन मत लो। सरला आंटी अपने कमरे से गायब है, कहीं सब में तनु का हाथ तो नहीं है? अगर ऐसा है ना तो मिताली ये मौका बहुत अच्छा है तनु को फंसाने का। शायद नेटवर्क में नहीं है। तो क्या करें? दादी मैं क्या कह रही थी कि ये सरला आंटी यहाँ पर नहीं है, तो क्यों ना हम प्रज्ञा को फोन करके बता दे कि सरला आंटी गायब है अपने कमरे से। दादी मेरे ख्याल से मिताली भाभी ठीक कह रही है। नहीं प्रज्ञा भाभी को फोन करने दो, वो जरूरी काम के लिए गई है, परेशान हो जाएगी। पहले हम खुद सरला जी को ढूंढते हैं, और हाँ अभी कभी कोई नहीं बताएगा, जब सरला जी हमको नहीं मिलेंगे ना तब हम उन्हें बोलेंगे। हे माता रानी बस हमें टाइम से पहुंचा देना, कहीं देर हो गई तो एक बेटी पहले ही खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी के साथ ऐसा मत होने देना, अगर मेरी प्रज्ञा को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ दी का फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं, आप टेंशन मत लीजिए माँ, कुछ नहीं होगा दी को। हे माता रानी जब तक हम ना पहुंचे ना प्रज्ञा को भी वहां मत पहुंचने देना, तनु से दूर ही रखना। क्या करूं, बाहर जाऊं या नहीं? अगर तनु ने मुझे मारने का प्लान बना रखा हो तो, पर जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं गई तो मुझे तनु के खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा। अगर ये खतरा उठा के ही मेरा इनसे मिलना लिखा है तो मैं ये खतरा जरूर उठाऊं। सुनो रे आ गई है वो। जब तनु से मेरी बात हो ही चुकी है तो अब क्यों छुप रही है ये, कहाँ है? तनु को ढूंढ रही है। अच्छा है, उसे ढूंढने के लिए जब ये कार से बाहर निकलेगी मेरा प्लान ऑफ एक्शन शुरू। आओ प्रज्ञा बस थोड़ा और।